हेलो दोस्तों, अगर आपके मोबाइल की जो डिस्प्ले इस तरह से क्रैक हो गई है और कहीं कहीं काम कर रही है, कहीं कहीं नहीं काम कर रही है, और जो आपकी एप्लीकेशन है कुछ खुल रही है कुछ नहीं खुल रही है, आप जिसे खोलना चाहते हैं वो एप्लीकेशन नहीं खुल पा रही है, आपके जो वीडियोज हैं, फोटोज हैं, बहुत सारी चीज़ें आप नहीं देख पा रहे हैं, इसके लिए मैं आज ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ जिसका यूज करके आप जहाँ से भी आपकी डिस्प्ले काम कर रही है तो वहाँ से आप किसी भी एप्लीकेशन को खोल सकते हैं। आप वहाँ से वीडियो, फोटोज, आपका इंटरनेट वगैरह, जो भी आप फेसबुक वगैरह कुछ भी यूज करते हैं तो वो खोल पाएंगे और नॉर्मली आप देख पाएंगे। साथ ही आपकी जो डिस्प्ले टूट गई है और पूरी तरह से वर्क नहीं कर रही, तो बीच बीच से वर्क करिए, तो आप वहीं से उसे खोल कर अपनी एप्लीकेशन को यूज कर पाएंगे। वो ट्रिक क्या है तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जो देखिएगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हूँ सुमन नौरिया, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं वीडियो को शेयर कर लेता हूँ। मैं आपको ये दूसरे फोन पर बताने वाला हूँ, क्योंकि इस मोबाइल की जो डिस्प्ले पूरी तरह से काम करना बंद कर दिए। मैं ये ट्रिक आपको इसलिए बताने जा रहा हूँ जिनके मोबाइल यहाँ पर किसी किसी जगह पर काम करते हैं और वहाँ से एप्लीकेशन खुल जाती हैं और कुछ एप्लीकेशन नहीं खुल पाती, तो उनके लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगा। तो चलिए फिर मैं अपना दूसरा मोबाइल ले लेता हूँ, वहाँ पर आपको बताता हूँ आपको क्या क्या करना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना मोबाइल लेना है, मोबाइल पर आपको गूगल प्ले स्टोर की एप्लीकेशन मिल जाएगी, उसे ओपन कर लेना है। आपको मेरे डिस्प्ले पर ये सब मिल जाएगा कैसे कर रहा हूँ मैं, और आपको उसको क्या करना है, यहाँ पर सर्च का ऑप्शन मिलेगा, आपको सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर लिखना है रोलिंग आइकन, ठीक है। आपको लिखने के बाद यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पर एप्लीकेशन आ जाएगी और इसे आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। जब आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर फ्यू टाइम लेगा, यहाँ पर एप्लीकेशन कम एमबी की है, जल्दी इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जब आपकी इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद आपको यहाँ पर ओपन पर क्लिक करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर दिया है, ओपन पर क्लिक करने के बाद कुछ आपको इस तरह से यहाँ पर एप्लीकेशन खुलती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर आपको मैं डिस्प्ले पर भी दिख जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल आपको दिख रहा है, फिर से यहाँ पर आइकन भी बन के आ रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस सेटिंग के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड आपको आइकन का साइज भी मिल जाता है, स्मॉल, मिडिल, लार्ज, तो यहाँ पर जैसे रखना चाहें आप कर सकते हैं। जब इसे आप लॉन्च करेंगे तो लॉन्च के लिए मेक इट एज लॉन्चर, ठीक है, आप तो आपको लॉन्चर पर यहाँ पर क्लिक करना है। तो आपके लॉन्चर जो भी है वो उन्हें आपको मोबाइल का लॉन्चर या जो भी अदर लॉन्चर है उसको हटा देना है, सिर्फ आपको रोलिंग आइकन के लॉन्चर पर क्लिक करना है। उससे पहले मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आपको बैकग्राउंड कैसे रखना है, तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो आप अनुसार इमेज भी ले सकते हैं यहाँ पर, या ब्लैक जैसा चाहें। यहाँ पर आपको ऐड का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप ऐड पर भी क्लिक करेंगे, जब आप अलाउ कर देंगे, अलाउ के बाद आपको यहाँ पर आपकी इमेज सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा गैलरी से, ठीक है। कोई भी मैं चाहें आप उसे ले सकते हैं, तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर कोई एक इमेज ले लेता हूँ आपके लिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कोई फ्लावर की एक इमेज ले ली है, उसके बाद आपको ये इमेज लेने के बाद ओके कर देना है। तो ओके करने के बाद आपको यहाँ पर एक इमेज दिख जाएगी, तो उसके बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है। फ्रेंड ओके करने के बाद यहाँ पर जो आपकी बैकग्राउंड इमेज है वो आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको यहाँ पर एनेबल करने के लिए बटन को ऐड करना है, या आपको यहाँ पर एनेबल टच करना है, यहाँ पर वॉलपेपर टच के लिए वो भी ऑप्शन मिल जाता है। तो ऐसे कुछ यहाँ पर नॉर्मल सेटिंग है उसे कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉन्चर यहाँ पर क्लिक कर देना है, लॉन्चर सेटिंग पर अनेबल कर देना है, इसे रोलिंग आइकन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जो लॉन्चर आपको दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको एप्लीकेशन यहाँ पर कुछ इस तरह से, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से एप्लीकेशन दिख जाएंगे ऊपर नीचे चलते हुए, जैसे कि आपको मेरे फ़ोन में भी दिख जाएंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से। यहाँ पर थोड़ा लाइट पड़ रही है, इस तरह से आपको ऊपर नीचे भी यहाँ पर दिख जाएंगे एप्लीकेशन इधर उधर जाती हुई, ठीक है फ्रेंड। तो आप इस तरह से कुछ एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भी एप्लीकेशन जहाँ पर अभी आपकी टच काम कर रही है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ मोबाइल को इधर उधर करना है, जैसे कि आपको दिख रही है मेरी कुछ एप्लीकेशन जाते हुए, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही कर लेना है। अब आपको उस पर सिर्फ एप्लीकेशन क्लिक करना है, जैसे मुझे सेटिंग खोलनी है तो सेटिंग पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया और आपको दिख गया होगा यहाँ पर सेटिंग खुल गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी एप्लीकेशन को खोल पाएंगे, साथ ही आप इसका यूज कर पाएंगे। फ्रेंड आप साथ में किसी भी एप्लीकेशन को खोल सकते हैं, यहाँ वीडियो, फोटोज, गैलरी, कुछ भी यहाँ पर आप देख पाएंगे और इसी तरह से आप किसी भी एप्लीकेशन का यूज कर पाएंगे। फ्रेंड इसी तरह से आप किसी भी एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं, आपकी जो भी मोबाइल की डिस्प्ले है क्रैक हो जाती है, कहीं कहीं पर काम करती है, तो इसी तरह से यूज कर पाएंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर कोशिश की, थोड़ी सी आपकी हेल्प हो चुकी, आपका जो मोबाइल है उसे काम चल सके, आप दोबारा नया मोबाइल लेने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो चलिए फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर, नीचे लाल कलर का बटन दिया गया है दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये आप वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, उन्हें भी पता चल सके उनके मोबाइल कोई डिस्प्ले खराब हो तो वो इसे यूज कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।